जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा ने सूचित किया है कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए जिला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग लगाने के बारे में आकलन, चिकित्सा प्रमाण पत्र, UDID कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा ने सूचित किया है कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए जिला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग लगाने के बारे में आकलन, चिकित्सा प्रमाण पत्र, UDID कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। टौनी देवी में ये शिविर 11 फरवरी 2020 को सुजानपुर में, 12 फरवरी गलोड में, 13 फरवरी भोरज में, 14 फरवरी बिजड़ी में, 17 फरवरी नादौन में, 26 फरवरी तथा सुजानपुर में 2 मार्च 2020 को इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी सूचित किया कि दिव्यांगजनों के आकलन के लिए जिला स्तरीय शिविर 19 फरवरी 2020 को जिला कल्याण अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय परिसर में लगाया जाएगा। इसमें बैसाखी एल्बो क्रच, छड़ियां, ब्लाइंड केन, ट्राईसाइकल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, MR किट इत्यादि की असेसमेंट कर इनका वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन आकलन शिविरों में भाग लेने के लिए पात्रता 40% या इससे अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र, मासिक आय 15,000 रुपए या इससे कम होनी चाहिए और पिछले 3 वर्षों से कोई सहायता राशि प्राप्त ना की हो। 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये पात्रता 1 वर्ष से कम है। UDID कार्ड बनाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार नकल व राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज साथ लाने होंगे। जिनके UDID अपडेट होने हैं या खारिज हो गए हैं, वे अपने साथ UDID का एनरोलमेंट साथ लाएं। जबकि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व परिवार नकल साथ लानी होगी। इन शिविरों के दौरान जिला में कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व नशा निवारण अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हमीरपुर। आज मैं आपको जो है हमारे विभाग व जो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे CMO मैम है, उनके सौजन्य से हमीरपुर जिले में लगभग हम 9 कैंप 7 कैंप जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट में लगाने जा रहे हैं, जिसमें 11 से लेके 19 तक जो असेसमेंट कैंप रहेंगे। देन उसके बाद हमारा 26 और 3 2 मार्च को जो है हमारा मेडिकल कैंप रहेंगे, जो सेपरेट हैं। उसमें असेसमेंट नहीं होगी क्योंकि हमारी टीमें जो हैं वो दिल्ली से व एक अलिमको से आएगी 19 तारीख की। जो फर्स्ट कैंप है हमारा वो 11 तारीख को जो हमारी CSC टौनी देवी है वहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि मेडिकल असेसमेंट, UDID कार्ड की अपडेशन करनी हो, या आपने किसी का रिजेक्ट हो गया हो या नया बनाना है, या किसी ने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो वहाँ पे हो जाएंगे। और इसमें जो भी किसी व्यक्ति को असेसमेंट में मान लो व्हील चेयर चाहिए या उसका एल्बो है, वो सारी असेसमेंट, या किसी को अपनी जो ब्लाइंड है उसको स्मार्ट केन चाहिए, देन किसी को हेयरिंग एड चाहिए, वो सारी इसमें असेसमेंट की जाएंगी। उसके बाद जो है बाद वाले कैंपों में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो है सुजानपुर में 12 को है, वो भी CSC सुजानपुर में किया जाएगा। इसमें भी मेडिकल, इसमें मेडिकल कैंप नहीं होगा क्योंकि इसको बाद में रखा गया है। मेडिकल टीम थोड़ा सा हम जा रहे हैं कि जो कॉलेज में डॉक्टर हैं उनको भी थोड़ा सा गैप चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी सफर नहीं हो हमारा वर्क। तो उसमें हमने ये जो 2 कैंप है हमारे 12 और 13 वाले ग्लोड और सुजानपुर के, इसमें हमने मेडिकल टीम नहीं रखी है। बाकी रिमेनिंग जो हमारी एक्टिविटी है असेसमेंट और UDID कार्ड, वो साथ में होते रहेंगे। अदर हमारी स्कीम्स के बारे में भी वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। ग्लोड वाला भी CSC ग्लोड में किया जाएगा 13 को, और 14 को जो हमारा होगा वो भोरंज में होगा, CSC भोरंज में, जहाँ पे मेडिकल कैंप, असेसमेंट कैंप, UDID कार्ड, सारे जो वहाँ पे सुविधा मिलेगी। असेसमेंट करने के बाद जो है उनका एक कैंप बाद में किया जाएगा, जो हम व्हील चेयर या अदर जो अप्लाइंसेस देने हैं वो बाद में दिए जाएंगे। देन उसके बाद 17 को बिजली में किया जाएगा, CSC बिजली में, उसमें भी इसी तरह के मेडिकल, असेसमेंट कैंप और UDID सारा वहाँ पे सुविधा जो है वो हमारे बेनिफिशरी को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 26 को हम जो हमारा ग्लोड का छूट गया था मेडिकल कैंप, उसको नदौन में करेंगे, जिसमें सारे मेडिकल, जिस व्यक्ति का मेडिकल नहीं बना होगा वो वहाँ पे बना सकता है, UDID कार्ड भी वहाँ पे बन सकते हैं। साथ में 2 मार्च 2020 को जो है हमारा सुजानपुर में होगा, जो मेडिकल हमने पीछे नहीं किया,
उसमें यूडीआईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों बनाए जाएंगे। जिसका मेडिकल नहीं बना है, यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है, वो वहां पे बनेंगे। और एक हमारा जिला स्तर पर असेसमेंट कैंप जो है लिम्को की सहायता से 19 फरवरी को लगाया जाएगा। वो एक अलग से लगाया जा रहा है क्योंकि हमारी कुछ पंचायतें जो थी, जैसे हमारे ग्लोड एरिया की या बड़सर ग्लोड में जो कवर होगी, लेकिन हमीरपुर का टोनी देवी में लग रहा है, इस रीजन से हमारे हमीरपुर के प्रॉपर की कुछ पंचायतें छूटेंगी। जो बिजली लग रहा है उसके बड़सर एरिया की कुछ पंचायतें छूटेंगी, या हमारे नदौन वाले एरिया की कुछ पंचायतें छूटेंगी, वो हम जिला स्तर पर जो है लगाएंगे।